हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिबिल स्कोर, मतलब कि क्रेडिट स्कोर चेक करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। पेटीएम से करना चाहिए या फिर आपको दोस्तों फ़ोनपे से करना चाहिए। मैं किस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ अपना क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर चेक करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहना है। और अंत में अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले मैं आपको पेटीएम से चेक करके बताता हूँ। अब पेटीएम में क्या चीज़ रहती है मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पर जब आप लोग नीचे जाएंगे, फ्री क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्या रहता है, कम से कम 60 दिन के बाद यहाँ पर आपका जो भी सिबिल स्कोर है वो चेक हो पाता है। अगर आपने एक बार चेक कर दिया, उसके आप लोग 60 दिन के बाद दूसरी बार चेक कर पाएंगे। ये दिक्कत रहती है यहाँ पर अगर आप लोग पेटीएम में अपना सिविल स्कोर चेक करने जाओगे। तो मैं यहाँ पर सिविल स्कोर के अंदर चला गया हूँ, तो ये अभी 758 आ रहा है। ये 60 दिन के पहले का सिविल स्कोर आ रहा है, ये अभी प्रेजेंट का सिविल स्कोर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दिक्कत रहती है, रिफ्रेश यहाँ पर नहीं होता है। 60 दिन के बाद आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं, ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन गाइस, अब बात करते हैं प्रेजेंट में अपना सिविल स्कोर चेक करना है, तो फ़ोनपे से बड़ी एप्लीकेशन कोई भी नहीं है। यहाँ पर आपको फ़ोनपे के अंदर जाना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और क्रेडिट के अंदर जाना। क्रेडिट के अंदर जाओगे तो चेक नाउ, यहाँ पर क्रेडिट स्कोर फॉर फ्री ये लिखकर आ रहा है, चेक नाउ पर क्लिक कर देना। और इसके बाद थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पर देख लीजिए 871 मेरा सिविल स्कोर आ रहा है, जो कि एक्सीलेंट सिविल स्कोर है। सो इस तरह से गाइस, आप लोग फ़ोनपे की मदद से, सबसे सही तरीका है फ़ोनपे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सही तरीका है और काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो गाइस, आप लोग फ़ोनपे की मदद से कर सकते हैं। पेटीएम में थोड़ा सा टाइम लगता है, दिन लगते हैं, ये सब मतलब दिक्कत होती है पेटीएम में, ठीक है। फ़ोनपे से करिए अपना सिविल स्कोर चेक।